नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं कुमार, और देखिए आप लोगों ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा। इसे वन बेल्ट वन रोड या OBOR भी कहते हैं, और ये चाइना की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था 2013 में टू इन्वेस्ट इन नियरली 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिये मार्च 2022 तक अराउंड 146 कंट्रीज चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर कंसर्न है। सभी लोगों का कहना है कि ये चाइना का एक डेट ट्रैप है, यानी कर्ज वाला जाल, और चाइना इसके अंडर कंट्रीज को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और बाद में उनके लैंड पर कब्जा कर लेता है। इसके सबसे अच्छे दो एग्जांपल तो हमारे पड़ोस में ही है, एक है पाकिस्तान और एक है श्रीलंका। इन दोनों ही कंट्रीज में चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, और इस इन्वेस्टमेंट का इन दोनों कंट्रीज पर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा है। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी है, और चाइना ने वहां पर बहुत सारा लैंड कब्जा लिया है। लेकिन देखिए, चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अब इंडिया ने भी अपना एक ग्रोथ मॉडल पेश किया है, और इस ग्रोथ मॉडल को पेश किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, और इसका नाम है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, यानी TDC फंड। और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेगी इंडो पैसिफिक रीजन में और साथ ही अदर ज्योग्राफीज में। देखिए आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो इंडिया आए थे, और उनकी विजिट के दौरान इंडिया और यूके ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। और इसी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के अंडर इंडिया का ये जो TDC फंड है, यानी ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, इसको यूज किया जाएगा। साथ ही इसमें अदर कंट्रीज को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन। और ये सारी कंट्रीज इंडिया के साथ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फील्ड में पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। देखिए अगर इस ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की बात करें तो ये एक नोवल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन इनिशिएटिव है जिसे इंडिया और यूके मिलकर को फाइनेंस करेंगे। इसके अंडर किसी भी थर्ड कंट्रीज को $100 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इंडिया और यूके में जो नई नई इनोवेशन हो रही है, उन इनोवेशन को अदर कंट्रीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इससे उन कंट्रीज को भी बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ ही उन थर्ड कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट रिलेटेड जो गोल्स हैं उन कंट्रीज के, उनको अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया में फिलहाल जितनी भी इनोवेशन हो रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, इन्हें अदर कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इंडिया की इन इनोवेशन को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी इंडिया की जो इनोवेशन है उनको दुनिया भर में पहचान मिलेगी। और देखिए इसी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए इंडिया ने एक फंड अनाउंस किया है जो है TDC फंड। अब देखिए इंडिया जो भी कंट्रीब्यूट करेगा इस GIP यानी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में, वो सब इंडिया के इस नए इनिशिएटिव TDC फंड के थ्रू ही की जाएगी। और देखिए ऐसी भी न्यूज है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो जितनी भी इनोवेशन कर रही हैं रिसेंटली, GIP उन इनोवेशन को स्केल अप करेगा और उन्हें अफ्रीका, एशिया एंड इंडो पैसिफिक की कुछ सेलेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करेगा। देखिए जब भी कोई कंट्री अदर कंट्रीज में डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेना चाहती है तो जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं राइट मार्केट इन्फॉर्मेशन, राइट पार्टनर्स एंड फ्लेक्सिबल फंडिंग मैकेनिज्म। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो GIP इनिशिएटिव होगा इंडिया और यूके का, ये इंडियन इंटरप्राइजेस को इन सब प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करेगा। साथ ही ये इंडियन इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस, हैंड होल्डिंग एंड डेवलपमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। GIP का जो मॉडल होगा वो एक मार्केट ड्राइवन मॉडल होगा, और ये इंडिया की यूके के साथ एक इक्वल पार्टनरशिप होगी। इंडिया और यूके दोनों ही अगले 14 साल के दौरान GIP के डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये को फाइनेंस होगा अराउंड 75 मिलियन पाउंड का। और देखिए TDP फंड के साथ साथ एक और नया GIP फंड भी स्टेब्लिश किया जाएगा जो होगा अदर कंट्रीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये फंड अराउंड 100 मिलियन पाउंड मार्केट से भी उठाएगा टू सपोर्ट इंडियन इनोवेशंस। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूके के साथ मिलकर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इसके अंडर चाइना की तरह ही इंडिया डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, और इससे न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज को फायदा होगा बल्कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पर जो इमेज है वो भी एक नए डेवलपमेंट सपोर्टर कंट्री के रूप में उभरेगी। अब देखिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो हमेशा से इस बात पर जोर देते हैं कि जो इंडिया की स्टार्टअप्स हैं जो फिलहाल काफी तेजी से उभर रही हैं, उनका इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये कि उन्हें दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, और इंडिया में जो इनोवेशन हो रही है उनको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहिए। अभी तक इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब ये जो GIP इनिशिएटिव होगा इंडिया और यूके का, ये इस चीज की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, और साथ ही इंडिया का जो इनोवेशन फुटप्रिंट है एट द ग्लोबल लेवल उसको भी एक्सपेंड करेगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जब भी वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना चाहती थी
तो वो ट्रेडिशनल रूट के थ्रू ही जाती थी, जैसे कि ग्रांट देना या लाइन ऑफ क्रेडिट देना, जैसे रिसेंटली श्रीलंका को दिया है। लेकिन पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव में प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करने का प्लान बनाया है, और इसके अंडर अब इंडिया जो फाइनेंसिंग करेगा अदर कंट्रीज में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होगी। जीआईपी के अंडर अराउंड 60 इंडियन इनोवेशंस हैं जिनको ट्रांसफर किया जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और इससे अराउंड 5000 पीपल्स का जो लाइवलीहुड है यानी जिंदगी जो है वो बेहतर होगी, और ये तकरीबन 20 लाख लोगों को क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इट विल क्रिएट एन ऑनलाइन ई बाजार प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन द इनोवेशन इकोसिस्टम एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। तो देखिए, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, एंड वी होप इसके थ्रू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो पुअर लोग हैं उनको भी इंडियन इनोवेशन का फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।